कन्नौज में घूस लेते हुए लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आपको बताते चले छिबरामऊ थाना क्षेत्र में एक लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए 2000 के 5 नोट के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के ग्राम सलीमपुर निवासी वीरेश कुमार के पिता राम फेरे ने अपनी भूमि वीरेश के नाम पर कर दी थी। इसी को लेकर वीरेश ने चाचा ने पैमाइश के लिए न्यायालय में बात दायर किया था। संबंधित क्षेत्र के लेखपाल रोहित सिंह निवासी ग्राम विशंबरपुर थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज को उक्त भूमि की पैमाइश करनी थी, जिसको लेकर पैमाइश न करने के लिए रोहित ने वीरेश से 10,000 रुपए की मांग की थी। इस पर वीरेश ने पूरी शिकायत एंटी करप्शन के डीआईजी राजीव मल्होत्रा से की। शिकायत पर बुधवार को डीआईजी की गठित टीम छिबरामऊ पहुंची, जहाँ कानपुर इकाई के निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में एंटी करप्शन टीम ने पूरी रणनीति बनाई, जिसके बाद वीरेश ने रोहित को रुपए देने के लिए कस्बे में ताजपुर रोड पर स्थित एक दुकान के पास बुलाया, जहां वीरेश ने पैमाइश रोकने के लिए जैसे ही लेखपाल रोहित सिंह को 2,000 के 5 नोट यानी 10,000 रुपए दिए, वैसे ही एंटी करप्शन टीम ने रोहित को मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया, जहां से लेखपाल को गिरफ्तार करके कोतवाली छिबरामऊ लाया गया। सर, छिबरामऊ में लेखपाल को पकड़ा गया है, क्या सब पूरा मामला था? आज सुबह एंटी करप्शन टीम के द्वारा यहाँ पर एक अभियान अपना चलाया गया था, जिसमें गोपनीय तरीके से उनके द्वारा डिक्की की गई थी। तो इसमें छिबरामऊ तहसील में एक तैनात रोहित सिंह लेखपाल हैं, तो उनके द्वारा तथाकथित रूप से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। और इसमें उनके जो दंडाधिकारी हैं संबंधित एसडीएम, उनके द्वारा रोहित सिंह लेखपाल के निलंबन की कार्रवाई की गई है, और जो भी इसकी आगे लीगल प्रोसीडिंग है वो कार्रवाई फॉलो की जाए।